जेके न्यूज टुडे की टीम इस समय नेशनल हाईवे पर है और आज चौथा दिन है लगातार नेशनल हाईवे बंद है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जखैनी चौक उधमपुर की, जाम लगा हुआ है, हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। अगर गाड़ी डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ या पटनीटॉप जाने वाली है तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह ये पंजाब नंबर की आप गाड़ी देख सकते हैं, हरियाणा नंबर की देख सकते हैं, इन तमाम गाड़ियों को यहाँ पर श्रीनगर जाने से पूरी तरह से मना किया गया है, रोका गया है। हम आपको बताते चलें कि सेरी रामबन के पास जो सड़क की डायवर्जन को रिस्टोरेट करने का काम है वो लगातार दिन रात NHIA की तरफ से किया जा रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रियों की बात करें तो लगभग 40,000 के करीब अमरनाथ यात्री जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, चंद्रकोट में फंसे हुए हैं। वहीं लगभग 30,000 अमरनाथ यात्री ऐसे भी हैं जो बालटाल, पहलगाम, श्रीनगर से वापस जम्मू की तरफ आना चाहते हैं, यानी कि 70,000 तो सिर्फ अमरनाथ यात्री हैं। लगभग 5,000 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां हैं जो फंसी हुई हैं। आज चौथा दिन नेशनल हाईवे को बंद हुआ है। ट्रैफिक सूत्रों की अगर माने तो आज दोपहर तक जो सेरी रामबन के पास नेशनल हाईवे में अल्टरनेट रोड बनाया गया है उसे पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद संभव है जो रामबन जिला, रामबन में जो फंसी हुई गाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें ही निकाला जाएगा, क्योंकि अगर हम जिला रामबन की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। आज ऑफिशियली नेशनल हाईवे बंद है और ऐसे में उधमपुर से या काजीकुंड से कल कहां से पहले ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, इसके लेकर एडवाइजरी शाम को जारी की जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ दीपांकर गुप्ता, जेके न्यूज़ टुडे, नेशनल हाईवे, उधमपुर।